मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज राघोगढ़ में किया मेगा रोड शो, साथ ही साथ जनसभा को भी किया संबोधित। भाजपा प्रत्याशी माया अग्रवाल को जिताने की मतदाताओं से की अपील। सेना भर्ती अभियान में आज भिंड मुरैना जिले के 425 युवाओं ने समय सीमा में पूरी की अपनी रेस। लगभग 4,500 प्रतिभागियों ने आज लिया था दौड़ में भाग। शहर में भर्ती के चलते बढ़ा सड़क और रेल मार्ग पर दबाव। जिला पुलिस और रेलवे पुलिस सुरक्षा व्यवस्था में जुटी मुस्तैदी से। सेना भर्ती अभियान का निरीक्षण करने के लिए भोपाल से पधारे डीडीजी। रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का लिया जायजा, साथ ही साथ प्रतिभागियों को अनुशासित रहने की भी दी हिदायत। स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के अवसर पर आज शहर के विभिन्न स्कूलों में किया गया सामूहिक सूर्य नमस्कार। मुख्य कार्यक्रम उत्कर्ष विद्यालय में हुआ, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष अर्चना चौहान, गुना कलेक्टर राजेश जैन और जिला शिक्षा अधिकारी के मुख्य आतिथ्य में शिक्षकों और छात्रों ने किया सूर्य नमस्कार। युवा दिवस के उपलक्ष्य में आज स्वामी विवेकानंद सेवा संगठन के सदस्यों ने अलग अलग स्थानों पर मनाया स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन। पीजी कॉलेज और माध्यमिक विद्यालयों में भी जाकर छात्रों के बीच स्वामी जी के जीवन चरित्र पर डाला प्रकाश। ग्रुप ने ग्राम कंचनपुरा को लिया गोद। बरखेड़ा हाथ और ग्राम सकतपुर के स्कूलों में भी आज छात्र छात्राओं ने शिक्षकों के साथ मिलकर किया सूर्य नमस्कार। नर्मदा परिक्रमा के 105वें दिन आज पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद दिग्विजय सिंह पहुंचे ग्राम राजौर, सपत्नीक उतारी मां नर्मदा की आरती। पमोरी विधायक महेंद्र सिंह सिसोदिया ने आज नदी जोड़ो अभियान के तहत पार्वती सिंध और ऊनो को जोड़ने की शासन से मांग। बमोरी क्षेत्र के ग्राम खैरौदा में चल रही श्रीराम कथा में आज हुआ श्रीराम विवाहोत्सव। श्रद्धालुओं ने विवाह उत्सव के प्रसंग पर जमकर झूमे और लिया सत्संग का आनंद। प्रधानमंत्री सड़क योजना के जनरल मैनेजर और बाहरी कंपनियों की साठगांठ के चलते जिले की 14 करोड़ की लागत से बनने वाली 9 सड़कों के घटिया हाल। ग्राम चकदेवपुर से मकरौदा के बीच बनी सड़क ने एक सप्ताह के अंदर ही तोड़ा दम। मनरेगा में लोक सेवकों द्वारा जानबूझकर मजदूरों से काम न कराने का मामला आया सामने। आरोन के रामगिर खुर्द तालाब निर्माण को लेकर वहां पर लोगों ने लगाया जेसीबी और ट्रैक्टरों से निर्माण कार्य कराने का आरोप। गुना के निवासी तरुण शर्मा ने यंग एंटरप्रेन्योर सम्मानित अवार्ड में गुना को किया गौरवान्वित। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में मिला सम्मान। गुना के होम्योपैथी से जुड़े डॉक्टर बीडी शर्मा के सुपुत्र हैं तरुण शर्मा। खुदरा व्यापार में एफडीआई को देश में 100% केंद्र सरकार द्वारा अनुमति देने के फैसले के खिलाफ आज आम आदमी पार्टी ने हनुमान चौराहे पर किया विरोध प्रदर्शन। भाजपा पर लगाया छोटे व्यापारियों को खत्म करने का आरोप। महर्षि योगी के जन्मदिन के अवसर पर बीजी रोड स्थित महर्षि आश्रम में हुआ कार्यक्रम। गुना विधायक पदालाल शाके के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम में मीडिया प्रभारी विकास जैन और सांसद प्रतिनिधि संतोष धाकर ने भी किया उपस्थित लोगों को संबोधित। मिस्टर एंड मिसेस गुना में फाइनल राउंड को जज करने के लिए प्रख्यात देश की मॉडल काव्या और अर्शिया पहुंची गुना। रैंप पर चलने के लिए शहर की प्रतिभाओं को साथ ही साथ वे देंगी प्रशिक्षण भी। हनुमान टेकरी पर आज बालाजी सरकार के समक्ष 11,000 लड्डुओं के भोग के साथ की गई महाआरती और किया गया विशाल भंडारा। 21 जनवरी को होने वाले जिला स्तरीय स्वास्थ्य शिविर के तारतम्य में ग्राम सकतपुर में गंभीर रोगों से पीड़ित बच्चों के चिन्हांकन के लिए पहुंची जिला स्वास्थ्य विभाग की चिकित्सकीय टीम। कई रोगियों को तुरंत दिया गया उपचार। श्री ज्ञान मंदिर का वार्षिकोत्सव आनंदम तहसीलदार संदीप श्रीवास्तव के मुख्य आतिथ्य में संपन्न। मानस भवन में बच्चों ने दी आकर्षक प्रस्तुतियां।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पीजी कॉलेज में स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मनाया युवा दिवस। गुना में चल रही 8 विकेट टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में आज उस्तादी क्लब, अब्बासी क्लब, सुमेर क्लब ने जीते अपने अपने मैच बड़े अंतरों से। बीसीएस ने रॉकस्टार को हराया एक रोमांचक मैच में। रेड रेवन क्लब के सदस्यों के उन्मुखीकरण के लिए आज रखी गई कार्यशाला। एड्स से जुड़ी हुई बातों को अधिक से अधिक लोगों के बीच फैलाने पर किया गया विचार विमर्श। राघोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह और नगरपालिका अध्यक्ष आदित्य विक्रम सिंह ने जनता के बीच पहुंचकर राघोगढ़ की एकता और संस्कृति को बनाए रखने पर दिया जोर। चुनाव प्रचार के दौरान विभिन्न वार्डों में पहुंचकर किया सघन जनसंपर्क।